वाले हैं। पहली बात कि जो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में सन 2000 में आया था, पारित हुआ, इसमें क्या कंटेंट है। दूसरी बात ये समझेंगे इसी के संदर्भ में, इसी संविधान संशोधन के संबंध में, के संदर्भ से हम ये समझेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा कैसे होता है। और तीसरी बात ये समझेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ यानी भूतलक्षी जो विधि होती है वो क्या होती है। दो तरह की विधियां होती हैं, एक होती है प्रोस्पेक्टिव और एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आज कानून बना और आज की ही डेट से, या फिर हो सकता है कि अगली किसी आने वाली डेट से लागू हो जाए। माना कि आज 26 दिसंबर है, आज यदि कानून बनता है तो आज से ही लागू हो जाएगा, या हो सकता है कि कह दिया जाए 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। सामान्यतया जो ज़्यादातर विधियां होती हैं इसी प्रकार से होती हैं, तो इनको तो कहते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ यानी कि भविष्यलक्षी विधि। और ऐसा भी हो सकता है, ये सामान्यतया जो अभी मैंने बोला प्रोस्पेक्टिव विधि, ये किसमें होता है, जितने भी क्रिमिनल लॉज होते हैं या और भी जो दूसरे सिविल लॉज होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिविल लॉज हैं, कुछ ऐसे कर से संबंधित अधिनियम हो सकते हैं जिन्हें बनाया तो आज गया है लेकिन वो लागू होगा पहले की किसी डेट से। जैसे 2021 चल रहा है, अब 2021 में 26 दिसंबर को यदि कोई कर से संबंधित विधि बनाई गई तो ऐसा हो सकता है कि वो उस विधि में ये बात हो कि 2015 से लागू होगी। अभी क्या चल रहा है 2021, और लागू कब से होगी 2015 से। तो ये जो अधिनियम है ये इसी प्रकार का अधिनियम था। जैसा मैंने कहा कि इस आज के वीडियो में तीन बातें हमें समझनी थी, उसमें एक बात हमने समझ ली है। क्या समझ ली है कि भूतलक्षी विधि क्या होती है, और ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था जो 2000 में आया ये इसी प्रकार का एक अधिनियम था, यानी कि जिस ये लाया कब गया 2000 में, लेकिन ये पारित कब से माना जाएगा, पहले से माना जाएगा, कब से अभी देखते हैं। तो एक बात हमने समझ ली, अब दो बातें समझनी है कि इस संविधान संशोधन में क्या कंटेंट है, इसके अंदर विषय क्या है, और दूसरा ये समझेंगे इसी के आलोक में यानी कि इसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में कर का बंटवारा कैसे होता है। देखिए पहले मैं इसमें दो बातें जो हैं वो बता देता हूँ आपको, दो बातें कौन सी हैं इस संशोधन अधिनियम में। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो संशोधन अधिनियम था ये किसके आधार पे आया, तो 10वां जो वित्त आयोग था उसकी जो सिफारिशें थी उसके आधार पे लाया गया। ठीक, अच्छा भाई, फिर दूसरी बात क्या इसमें कहा क्या गया है, इस अधिनियम में क्या बात है। तो इसमें कुछ केंद्रीय कर हैं, जो केंद्र सरकार कुछ कर लगा रही है, शुल्क लगा रही है, उससे जो भी इनकम हो रही है सरकार को, उस इनकम का 29% जो शेयर है वो किसको दिया जाए, राज्य को दिया जाए। सरल सी बात है कि जो कमाई हो रही है उसका 29% किसको दिया जाना है, राज्य को दिया जाना है। ठीक है, अब पहली बात तो हमने ये समझ ली कि ठीक है बंटवारे से संबंधित कोई बात है। दूसरी बात ये समझनी है कि इसमें अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 272, ये तीन अनुच्छेद हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब जो अनुच्छेद 269 है उसमें खंड एक और खंड दो में नया खंड लाया गया, खंड एक और खंड दो में नया खंड लाया गया, और 270 में पूरा का पूरा नया अनुच्छेद बनाया गया, और 272 को समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। ठीक है, तीन बातें हैं, एक अनुच्छेद में कुछ जोड़ा जा रहा है, एक पूरा का पूरा अनुच्छेद बदला जा रहा है, और एक अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जा रहा है, तीन बातें हुई। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, ये लागू कब से हो रहा है, तो 1 अप्रैल 1996 लागू हो रहा है। ठीक है भाई, ये कब किस सन में आ रहा है, आ तो रहा है 2000 में। ठीक है, जब ये संविधान संशोधन लाया गया तब चल क्या रहा था, 2000, लेकिन लागू अब से हो रहा है 96 से, यानी लगभग
लगभग 5 साल पहले से लागू हो रहा है। जब इसको लाया जा रहा है इस कानून को, तो ये कानून की जो बातें हैं लागू कब से मानी जाएंगी, 5 साल पहले से। ठीक है, अब जो इसका अनुच्छेद, ये तो हमने समझ लिया कि 3 अनुच्छेद इससे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अब यदि आप चाहें तो इन 3 अनुच्छेद की जो शब्दशः बेयर एक्ट में जो भाषा लिखी गई है वो भाषा मैंने यहाँ दे दी है। इस भाषा को पढ़ने के पहले, जैसा कि मैंने कहा था कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा कैसे होता है, तो पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो 3 आर्टिकल हैं इनकी शब्दशः जो लाइन है उसको बाद में देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे। ये हम पहले बात कर लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इसमें फंडामेंटल बातें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे संविधान का जो भाग 12 है उसमें अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसकी चर्चा की गई है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्त के संबंध के बारे में बात की गई है, वो दूसरे संदर्भों में है। अच्छा देखिए, सीधी सीधी बात है, 3 सूचियाँ आपको पता हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए तीनों सूचियों में जितने विषय हैं उनमें से कितने विषयों पर कर लगाए जाते हैं, उस आधार पर संघ सूची में 15 ऐसे विषय हैं। कितने हैं? 15। 15 ऐसे विषय हैं जिसमें संघ सूची के विषय हैं जिसमें कि संघ यानी केंद्र सरकार विधि बना करके इसमें कुछ इसमें इनके ऊपर विधि बनाई जा सकती है। कौन कौन से विषय हैं देख लीजिए, कृषि आय से संबंधित, कृषि आय से भिन्न आय पर कर हो गया, सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क भी शामिल है, इसके अलावा भारत में निर्मित तंबाकू, अल्कोहल, लीकर, ये सब, निगम कर हो गया, व्यक्ति और कंपनियों की संपत्ति और पूंजी पर कर हो गया, कृषि भूमि से संबंधित कर हो गया, फिर कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार में, इसके अलावा रेल, समुद्र, वायु मार्ग हो गया, स्टॉक एक्सचेंज वाली बातें हो गई और विनिमय पत्र, बाकी सब कुछ इस तरह से। इसके बाद समाचार पत्र वाली बातें हुई, समाचार पत्रों से भिन्न भी जो बाकी माल हैं, और अंतर्राज्यीय व्यापार के बारे में बात हो गई, सेवाओं पर कर की बात हो गई, और उपरोक्त विषयों में से किसी संबंध में फीस, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली फीस शामिल नहीं है, ये सब। तो एक बार आप इसको देख लें और कोशिश करें कि अगर ये दिमाग में आपके बैठ जाए, पहली बार में हालांकि मुश्किल काम रहेगा। अब देख लेते हैं राज्य सूची के कौन कौन से ऐसे विषय हैं राज्य सूची के जिसमें राज्य नियम या विधि बना सकता है, तो 20 हैं टोटल। अब आप देख रहे हैं कि 15 किसमें थे, केंद्र सरकार के पास थे, 20 इनके पास हैं, लेकिन ज़्यादा होने से ऐसा नहीं है कि इनके पास ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, बल्कि विषय ऐसे हैं कि जिसमें कर लगाया भी जाए तो कर ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद ज़्यादा है इनके पास विषय तो ज़्यादा कर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी है वो कैसी है, वो स्यूडो फेडरल है ना। तो हम ज़्यादा ताकतवर हमने किसको रखा है, केंद्र को रखा है। तो संविधान सभा ने कोशिश की थी कि राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़े, तो इसलिए सोच समझ कर ऐसे ज़्यादा विषय राज्य सरकार को नहीं दिए गए कि जिससे वो आर्थिक रूप से जिसको कहना चाहिए निर्भर हो सके, उस आर्थिक रूप से स्वायत्त हो सके, उसको निर्भर रहना रहने के लिए बनाया गया। हमने बीच में मैंने बोल दिया था आर्थिक रूप से स्वायत्त रह सके, नहीं, आर्थिक रूप से निर्भर रह सके, उसको ऐसा ही बनाया गया कि स्वायत्तता ना आ पाए, राज्यों के पास स्वायत्तता ना आ पाए और उनको केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़े, ऐसा जानबूझ करके बनाया गया है। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं जिसमें कि कर जहाँ से लिए जा सकते हैं, तो ये हो गया भू राजस्व का निर्धारण संग्रहण, कृषि आय पर कर हो गया, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में, फिर कृषि भूमि के संबंध में भूमि और भवन पर कर हो गया, इसके अलावा खनिज संबंधी अधिकारों पर कर हो गया, इसी तरह से अल्कोहल, लिकर हो गया, और उपभोग या विक्रय के लिए माल में प्रवेश के लिए बात हो गई, विद्युत के उपभोग की बात हो गई, समाचार पत्रों से भिन्न माल की बात हो गई, फिर इसके अलावा दूरदर्शन विज्ञापन से भिन्न विज्ञापनों पर कर हो गया, सड़क और जलमार्ग ये सब हुआ, सड़कों के उपयोग
युग वाहनों पर कर हो गया, जीव जंतुओं तथा नौकाओं पर कर हो गया, पथ कर हो गया, वृत्तियों व्यापारों आजिकाओं और नियोजन पर कर हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, विलास वस्तुओं जिनमें मनोरंजन शर्त जुआ आदि शामिल इन पर कर हो गया, संघ सूची में जो विनिर्दिष्ट दस्तावेज हैं इन पर स्टैम्प शुल्क हो गया, और उपरोक्त विषयों से संबंधित फीसें, किंतु इसमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें शामिल नहीं हैं। तो इस प्रकार से 20 यहाँ पे आपने विषय देख लिए। तो ये भी एक बार में, पहली बार में तो ऐसे याद नहीं होंगे, आप एक बार, कई बार, चार पांच बार इसको जब बार बार पढ़ेंगे तो कुछ कुछ बातें दिमाग में आ जाएंगी। इसी तरह से समवर्ती सूची में, क्योंकि विषय ही इसमें कम है, इसमें विषय ही कितने हैं, 3 हैं, तो इनको तो याद किया जा सकता है कि मशीनी वाहन हो गया, न्यायिक स्टैम्प से भिन्न स्टैम्प शुल्क हो गया, और उपरोक्त विषयों से संबंधित फीसें, लेकिन इसमें न्यायालय वाली फीस नहीं रहेगी। अब अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कि भाई भविष्य में कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं तो उसमें संसद को अधिकार दिया गया, संसद उसमें कानून बना सकती है। तो अब तक उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सब संसद ने इस पे बनाया है। हालांकि पहले सेवा कर जो था वो भी इसी में था, इसी के अंतर्गत था, लेकिन 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उसको संघ सूची में डाल दिया गया। तो इस तरह से बात हो गई। तो ये सब जो था ये एक आइडिया देने के लिए था कि भाई देख लीजिए किस किस तरह से विषय होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संघात्मक संविधान है हमारा, पूरी तरह से नहीं लेकिन फिर भी अर्ध स्यूडो फेडरल तो इसको कह ही सकते हैं। तो इसमें क्या है कि विवाद होता ही रहता है, संघात्मक संविधान में विवाद होएगा ही होएगा, और इसमें राज्यों की कोशिश रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्व में हिस्सा है उनका हो सके, तो यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन फिर भी 2000 के बाद से कुछ इसमें सरलता आई और कुछ जो कहना चाहिए कि बंटवारा है वो राज्यों के पक्ष में झुका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वो समय था, सन 2000 का समय वो समय था जब मिलीजुली सरकारें आ रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट आ रही थी, इसलिए राज्यों की जो मांगे हैं वो जो राष्ट्रीय सरकार है उसमें समझी गई और उसके हिसाब से ये संविधान संशोधन लाया गया। तो राज्य सूची के जो कर होते हैं उसमें कोई विवाद नहीं होता है क्योंकि उसको अधिरोपित भी राज्य ही करते हैं और उसका संग्रहण भी और करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो भी राशि एकत्रित होती है वो राज्य की संचित निधि में चली जाती है, और उसके बाद जो राज्य का विधानमंडल होता है तो उसके लिए विनियोग अधिनियम पारित करके वहाँ से राशि का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, बात सारी जो जटिलता है वो किसमें है, संघ सूची के करों में है। कारण यही है कि इसमें पूरा का पूरा राज्यों से केंद्र का नहीं होगा बल्कि उसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी, और हिस्सेदारी की वजह से ही इसमें थोड़ा सा विवाद रहता है। अब जैसा कि हमने ऊपर बता ही दिया था कि इनका जो कर मिल रहा है राज्यों को, उनके जो 20 विषय हैं वो इतना पर्याप्त नहीं है कि उनका निर्वाह हो सके राज्यों का। तो इसलिए निर्भरता किस पर बनी रहती है, केंद्र पर बनी रहती है। अब 80वां संविधान संशोधन जो 2000 में पारित हुआ, तो उसके पहले जो पद्धति थी बंटवारे की वो थोड़ा सा अलग थी, और उस समय दो ही कर थे जो कि बांटे जाते थे, जैसे कि आयकर हो गया और उत्पाद शुल्क हो गया। इनका अधिरोपण और संग्रहण केंद्र सरकार करती थी, यानी लगाया जाता था और कलेक्ट किया जाता था, लेकिन उसके बाद बांटा जाता था किसके अनुसार, वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार। लेकिन 80 का जो संविधान संशोधन था, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मिलीजुली सरकारें आ रही थी, गठबंधन की सरकार आ रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट आ रही थी, तो 10वें वित्त आयोग की जो सिफारिश हुई उसमें ये हुआ कि राज्यों के पास संसाधन थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए जिससे निर्भरता उनकी कम हो सके। तो इसके द्वारा जो अनुच्छेद 270 है उसकी भाषा ही पूरी तरह से बदल दी गई, और 269 में जो वर्णित कर थे और 271 में जो सरचार्ज को छोड़ करके बाकी सब कुछ किसमें डाल दिया गया, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी करों और शुल्कों को केंद्रीय राज्यों में बांटा जाएगा, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया इस संशोधन के द्वारा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एक तो पूरी की पूरी भाषा बदली गई किसकी, 270 की, और 68, 69 और 71 में जो भी सरचार्ज है उनको बस छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितना भी कर और शुल्क है वो सब कुछ क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो ये बात थी। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो कस्टम ड्यूटी थी और कॉरपोरेट टैक्स था,
सीमा शुल्क और निगम कर, ये भी अब क्या होने लगे, बांटे जाने लगे। पहले इनको नहीं बांटा जाता था, पहले पूरी तरह से किसके पास था, केंद्र के पास था। तो ये जो हमने पूरा अभी तक देखा, इस पूरी व्यवस्था को कहा गया अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन, यानी हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि ये कैसा एक्ट था, कैसा अधिनियम था, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1996 से लागू हुआ था, आया 2000 में और लागू हुआ 5 साल पहले लगभग। तो अब हमने जैसा कि शुरुआत में आपसे कहा था कि पहले जो बंटवारा कैसे क्या होता है वो समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद समझते हैं कि वो जो 3 अनुच्छेद प्रभावित हो रहे थे, जिन पर प्रभाव पड़ा है, वो 3 अनुच्छेद की भाषा क्या है। तो ये देखिए, हमने आपसे कहा था कि इस संशोधन अधिनियम में 3 बातें आपको समझनी है कि कौन से वित्त आयोग की सिफारिश 10वें, और क्या मामला क्या है, 29% हिस्सा राज्य को दिया जाएगा, केंद्रीय करों का, और इसमें 3 प्रभावित हो रहे थे। एक तो 269 जो था, इसमें 2 खंड जोड़े गए हैं, 270 जो है पूरा का पूरा नया अनुच्छेद बनाया गया है, और 272 को क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 269 और 270 में क्या बात है। तो देखिए, 269 में कहा जा रहा है कि संघ, इसकी हेडिंग क्या है, आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो अनुच्छेद 269 की हेडिंग में अभी पढ़ रहा हूँ, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है, अब इसमें जो खंड की बात की जा रही थी, खंड एक और खंड दो में क्या है, खंड एक देखिए ये रहा, क्या बोल रहे हैं इसमें, करे माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के परेषण पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे, किंतु खंड दो में उपबंधित रीति से राज्यों को इस तारीख से या उसके पश्चात सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए जाए गए समझे जाएंगे। ये पहला खंड हो गया। ठीक है, खंड दो क्या कह रहा है, किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक वे आगम संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे। ठीक है, अभी तक केंद्र सरकार यानी भारत की संचित निधि के भाग होते थे, किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वह उस वर्ष में उद्ग्रहणीय हैं। ठीक है, जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है उन्हीं को दे दिया जाएगा, जिस राज्य से वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो संसद विधि द्वारा बनाए उन राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। अब इसके बाद अनुच्छेद 270 जो कि पूरा नया जोड़ा गया, तो इसके अंदर की, इसकी केवल मैंने यहाँ हेडिंग ली है, अंदर की जो भाषा है उसको नहीं ली है क्योंकि काफ़ी समझने में थोड़ा सा जटिल है, तो आप उसको अगर देखना चाहें तो बेयर एक्ट से देख सकते हैं क्या है बाकी इसमें। संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, तो थोड़ा मोटा मोटी एक बार ये समझते हैं 269 में क्या है, 270 में क्या है। देखो 69 में हेडिंग बस के भी हम बात करते हैं, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक, और यहाँ देखिए संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा राज्य और संघों के बीच वितरित, यहाँ वितरित बात हो रही है, वितरण की बात चल रही है, और यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ राज्यों को सौंपे जाने की बात चल रही है। ठीक है, तो यही 2 शब्द में मामला है ये। तो अब हम फिर से लास्ट टाइम देख लेते हैं कि 80 संविधान संशोधन में है क्या, तो यही कि कौन सा आयोग की सिफारिश है 10वें, और क्या सिफारिश है कि जो बंटवारा होगा उसमें 29% हिस्सा राज्यों को, और 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 72 तो ख़त्म, 69 में 2 चीज़ें जोड़ी और 70 की भाषा बदल दी। ठीक है, तो ये रहा 80वां संविधान संशोधन अधिनियम।